यह आप देख रहे हैं इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे हम इस समय खड़े हुए हैं और यहाँ से हम अभी ट्रेन नंबर 14114 सुबेदारगंज एक्सप्रेस से देहरादून से इटावा के लिए 1:05 पर इटावा पहुँचे हैं। अब इसके पश्चात हम जाएंगे इटावा से ग्वालियर की यात्रा करेंगे। ट्रेन नंबर 11904 वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस जो कि इटावा के प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 5 सुबह रवाना होगी। इटावा से ग्वालियर की दूरी है 118 किलोमीटर और स्लीपर में इसका किराया है ₹145। ये हम अपने ट्रेन में बैठ गए हैं। अब हम आपको इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन के संबंध में कुछ बताएंगे। इटावा जंक्शन उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। इसका स्टेशन कोड है ETW और प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे जोन 99 गाड़ियों का यहाँ हाल्ट है। 9 गाड़ियाँ यहाँ से बन के चलती है, 9 गाड़ियों का यहाँ से टर्मिनेट होता है। इटावा जंक्शन से हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा दिल्ली लाइन, इटावा इंदौर लाइन, इटावा भा आगरा लाइन, मैनपुरी इटावा लाइन, ये इतना लाइन यहाँ से इटावा जंक्शन से जाती है। ये आप देख रहे हैं इटावा रेलवे स्टेशन से हमारी गाड़ी डिपार्चर हो गई है। ये सवारी लेडीज है, पैर फिसलेगा। बरसात है, पैर फिसल जाएगा। Thank you.
भैया हमारी ट्रेन बिरला नगर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है, यहाँ 8 बजे के करीब पहुंची हुई है। वैसे तो इसका स्टॉपेज नहीं है, इसका स्टॉपेज ग्वालियर जंक्शन पे है। चूँकि सिग्नल वगैरह प्लेटफॉर्म पे गाड़ी होने की वजह से बिरला नगर पे आउटर पे स्टेशन पे रोक देते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।